दर्शकों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के दशम भाव में बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का दशम भाव ये आजीविका का भाव है, इसे कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहीं से हम प्रसिद्धि के लिए देखते हैं, ख्याति के लिए देखते हैं। अब इस दशम भाव में चूंकि यह एक केंद्र का भाव है, इसे उपचय भाव भी कहा जाता है, तो यह केंद्र का भाव है और एक शुभ भाव भी है। इस भाव में यदि देव गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो सामान्य अर्थों में क्या फल देंगे। मैं यहां पर बृहस्पति का न तो किसी राशि और न ही किसी लग्न विशेष को ध्यान में रखकर यह फलादेश करूंगा। बृहस्पति किस राशि में बैठा है, किस ग्रह की युति में है, दृष्टि में है, कितने बलाबल के साथ है, इसका भी फर्क पड़ेगा और यकीनन ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा। लेकिन सामान्य अर्थों में बृहस्पति दशम भाव में कोई भी बुरा फल नहीं करता, क्योंकि बृहस्पति कैरियर का भी कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति भी कमजोर हो तो जातक अपने जीवन में आजीविका स्थापित नहीं कर पाता। वो हमेशा भ्रमित रहता है कि मुझे किस क्षेत्र में आजीविका अपनानी चाहिए। करियर क्या मेरा स्वतंत्र कार्य होगा, यानी मेरा बिजनेस में अपना काम करूंगा, या फिर मैं जॉब करूंगा। जॉब यदि गवर्नमेंट क्षेत्र में करूंगा या प्राइवेट क्षेत्र में करूंगा, उसके लिए दशम भाव पर बृहस्पति का पूर्ण प्रभाव होना अति आवश्यक है। ये बृहस्पति पर डिपेंड करता है। बृहस्पति दशम भाव का कारक है और कारक बृहस्पति यदि दशम भाव में विशेष रूप से उच्च का मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि, स्व राशि के साथ यदि बैठा तो अत्यंत शुभ फल देगा, क्योंकि केंद्र भाव है। अस्य केंद्र स्थिति बृहस्पति किम कुर्वन्ति अनेकाग्रह। यदि दशम भाव में बृहस्पति बलवान बृहस्पति, यदि बृहस्पति दशम भाव में उच्च का मूल त्रिकोण राशि अथवा स्व राशि के साथ बैठेगा तो यहां पर हंस नाम का उच्च कोटि का महापुरुष राजयोग बनेगा। और ये राजयोग आप यूं मानिए कि जो हंस राजयोग है विशेष रूप से जातक को एक अच्छा शिक्षक बनाता है। जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट शिक्षक ही हो, सरकारी शिक्षक ही हो, क्योंकि सरकार से जुड़ने के लिए हमें सूर्य और मंगल के स्थितियों पर भी विचार करना होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जातक को उच्च कोटि का ज्ञानी देता है, कैरियर में एक अच्छा सफलता देता है। दशम भाव में जो बृहस्पति बैठेंगे उनकी पंचम दृष्टि धन भाव पर आएगी, जातक के आँख बड़े बड़े होंगे, जातक का परिवार सहयोग करने वाला होगा, जातक परिवार को लेकर चलेगा, जातक के जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति अपने ही भाव पर दृष्टि डालेगा। इसकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आ जाएगी, ये सुख सुविधा की वृद्धि करेगा, क्योंकि बृहस्पति विस्तार का ग्रह है। जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है, उस भाव की वृद्धि करता है, मित्र की वृद्धि करेगा, मित्रों से सहयोग भी देगा। आप लोग में से कई ऐसे भी लोग होंगे जिनके मित्र एक से ज्यादा हो जाते हैं, या जहां जाते हैं वहां उनके मित्र बन जाते हैं, वो मित्र भी उनके काफ़ी वफादार होते हैं, वो मित्र लोग भी जातक का खुद सपोर्ट करते हैं, जातक का सहयोग करने वाले होते हैं, जातक भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जातक की माता की आयु लंबी कर देते हैं, जल्द जातक की माता को कोई बीमारी नहीं होती। दशम भाव में विराजित बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आ जाएगी छठे भाव के ऊपर। छठा भाव रोग, चोट, दुर्घटना, कोर्ट केस, मुकदमा का है, रिश्ते के लिए मामा मौसी का भाव है। इस भाव को बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह देखेगा तो जातक को कर्जों से मुक्ति प्रदान करेगा। यदि जातक कर्ज में है तो जातक को कर्ज से मुक्ति प्रदान करेगा। जातक कोर्ट केस में है तो कोर्ट केस में विजयी दिलाएगा, क्योंकि बृहस्पति न्याय का कारक ग्रह है, कानून का कारक ग्रह है। जातक शत्रुओं पर सदैव हावी रहेगा। यदि जातक को शत्रु परेशान भी करना चाहेंगे तो बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। शत्रुओं से बचाने का काम करेगा बृहस्पति की नौवीं दृष्टि। उसके मामा मौसी उसके जीवन में एक अहम भूमिका रहेंगे,
उसके जीवन के प्रसिद्धि की ओर, उसके जीवन में सफलता के लिए एक अहम भूमिका रहेंगे। उनकी माता एक अहम भूमिका रहेगी। ये सब शुभ स्थिति प्रदान करता है दशम भाव में बृहस्पति जब विराजमान होता है। अब सामान्य अर्थों में ऐसा भी प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, या आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि यदि बृहस्पति दशम भाव में नकारात्मक होकर बैठे तो आप ये मानिए कि जल्द नकारात्मक होगा ही नहीं, और यदि नकारात्मक होगा, शिक्षक का कारक ग्रह है, कैरियर का कारक ग्रह होकर कैरियर के भाव में बैठा है, जातक को कैरियर स्थापित करने में काफी समय लगेंगे, कम से कम 30 से 32 समय तो लग ही जाएंगे। जातक का गुरु भी उसको लूटने वाला होगा, उसको ठगने वाला होगा। जातक के बड़े लोग उसके साथ अच्छा संबंध नहीं रखेंगे। जातक खुद उनके साथ अच्छा संबंध रखता है, ये एक अलग बात है। धन भी जातक के पास उतनी अच्छी नहीं रहेगी, सुख सुविधा भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, छोटी मोटी रोग भी लगी रहेगी। ये नकारात्मक बृहस्पति का फल है। लेकिन बृहस्पति ज्यादातर नकारात्मक नहीं करते हैं दशम भाव में, आपको यही एक बात को ध्यान में रखकर चलना है। यहां पर बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठेंगे, गज के स्त्री योग बन जाएगा, शुक्र के साथ बैठेंगे, शंख योग बन जाएगा, जातक धनाढ्य हो जाएगा। यानी शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर तो अति योग ये बना ही देंगे, और साथ में यदि सूर्य मंगल शनि के भी साथ बैठे तो कोई नकारात्मक फल नहीं देंगे। विचारणीय ये होगा कि सूर्य मंगल और शनि बृहस्पति के साथ दशम भाव पर बैठे हैं तो वो उस कुंडली में कैसा है, वो तीनों ग्रह कैसा है, क्या सूर्य योग कारक है, क्या मंगल उस कुंडली में योग कारक है, क्या शनि योग कारक है। यदि दृष्टि भी देगा तो भी यही सूत्र लागू होगा।